अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ ज़ैनब सज्जाद एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट इंसोमनिया डिसऑर्डर। इंसोमनिया इज़ अ कॉमन स्लीप डिसऑर्डर डैट कैन मेक इट हार्ड टू फेल अस्लीप, हार्ड टू स्टे अस्लीप, अ कॉज यू टू वेक अप टू अर्ली एंड नॉट बी एबल टू गेट बैक टू स्लीप। यू मे स्टिल फील टायर्ड व्हेन यू वेक अप। ओके, इंसोमनिया इज़ अ स्लीपिंग डिसऑर्डर। ये नींद ना पूरी होने की वजह से होता है। नींद से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, उनको सिंपल वर्ड में हम इंसोमिया कहते हैं। इंसोमिया की बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, लाइक इसमें सबसे पहले ये होता है कि आपके लिए सोना बहुत मुश्किल होता है। यू फील हार्ड टू स्लीप, आपको सोते वक्त मुश्किल होती है, आपको नींद नहीं आ रही होती। उसके बाद जब आप सो जाते हैं तो आपकी फ़ौरन आँख खुल जाती है, और जब आप उठ जाते हैं तो उठने के बाद आप इस काबिल नहीं होते कि आप गेट बैक हो जाए स्लीप की तरफ। एंड समटाइम ये होता है कि आप आफ्टर यू वेक अप आफ्टर स्लीपिंग यू फील वेरी स्लीपी। टाइप्स ऑफ इंसोमिया। इन दिस स्लाइड वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ इंसोमिया। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंसोमिया: एक्यूट, क्रॉनिक, कमोर्बिड, ऑनसेट, मेंटेनेंस। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स इन डिटेल। द वेरी फर्स्ट टाइप इज़ अक्यूट इंसोमिया। अक्यूट इंसोमिया, इसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, ज़्यादा नहीं, और ये इंसोमिया थोड़ी देर के लिए रहता है। जब इंसान स्ट्रेसफुल हो जाता है तो उसे 2-3 दिन नींद नहीं आती, और ये अक्यूट होता है, ज़्यादा स्वेयर केस नहीं। जैसे किसी इंसान को कोई जॉब का इशू होता है, या उसकी जॉब में उसके साथ कोई अनफेयर चीज़ें हो रही होती हैं, इस वजह से वो परेशान होता है और सो नहीं पा रहा होता है। जैसे उसकी परेशानी दूर हो जाती है तो वो नॉर्मल अपनी स्लीप की तरफ आ जाता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग करते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि समटाइम हम लोग कोई बुरी खबर सुन लेते हैं तो हमें 2-3 दिन नींद नहीं आती, और जब हम उसे भूल जाते हैं तो हमें आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हम अपनी रूटीन की तरफ चले जाते हैं, हमें नींद आना शुरू हो जाती है। तब भी हमको इंसोमिया हुआ होता है, लेकिन वो अक्यूट पोजीशन पे होता है, अक्यूट लेवल पे होता है। नेक्स्ट हम क्रोनिक इंसोमिया जो है ना, ये करेंगे। ये बहुत डेंजरस होता है, और ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, और फिर इंसान लॉन्ग टाइम के लिए सो नहीं पाता, मतलब कई हफ्ते कई महीने ये स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। इसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं, जैसे आप सफ़र करते हैं तो आपको कोई हादसा पेश आता है तो आप उसे भूल नहीं पाते, या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक्या हो जाता है जिसे आप भूल नहीं पाते, तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। और डिफरेंट एक्यूट में और क्रोनिक में ये डिफरेंट है कि एक्यूट जो होता है वो 2-3 दिन के लिए होता है, लेकिन क्रोनिक जो है ना ये लंबा चलता है, मतलब यही इसमें डिफरेंस है। उसके अलावा कमोर्बिड जो है हम उसको देखते हैं। ये इंसोमिया की वो कंडीशन है जब इंसान किसी स्ट्रेस में होता है, किसी एंजाइटी में होता है, डिप्रेशन में होता है। ये यानी वो अपनी ज़िंदगी से बहुत मायूस होता है, और वो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग उसके अंदर आ जाती है, और ख़ुद में ही खोया रहता है, मायूस होता है, चीज़ों से डिप्रेस होता है, और हर तरह से उसे ये लगता है कि ही इज़ नो मोर गुड। अब हम नेक्स्ट करेंगे ऑनसेट इंसोमिया, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें ये होता है कि आपको डिफ़िकल्टी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेट नाइट हैबिट है सोने की, आप 1-2 बजे सोते हैं, और फिर आप कोशिश करते हैं कि हमें 6-7 बजे नींद आ जाए, तो आपको फिर 6-7 बजे नींद नहीं आती, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाती है 1-2 बजे सोना, तो इसलिए आप जल्दी नहीं सो पाते। नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ को देखते हैं। इसका सबसे बड़ा जो कॉज है वो स्ट्रेसफुल हो जाना, कोई ऐसा इंसिडेंट, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में कोई ना खुशगवार वाक़या हो गया हो जिसे आप भूल नहीं पा रहे, तो उसकी वजह से भी आपको रात को नींद नहीं आती, क्योंकि आप सारा दिन खुद को बिज़ी रखते हैं और रात को आप अकेले रहते हैं, तो आपको फिर नींद नहीं आती, और फिर वो जो स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है वो उस पर फिर इफ़ेक्ट करती है, और वो जो डिप्रेशन एंजाइटी भी जानी उसके अंदर मौजूद होती है वो ज़्यादा खुल के बाहर आती है, इस वजह से नींद नहीं आती। इसकी और भी
बहुत सारी कंडीशन है, बहुत सारे इसके कॉजेज हैं नींद आने के। जैसे हमें कोई भी इंसिडेंट, या हमें बिजनेस में लॉस हो जाता है, या फिर बिजनेस में लॉस हो जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं और जॉब में इश्यूज होते हैं, तो उसकी वजह से भी हमें नींद नहीं आती। तो आप इंसोमिया के शिकार होते हैं। ज़्यादातर जो इसके कॉजेज हैं वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इसके अलावा नॉइज़, आप बहुत ज़्यादा नॉइस में भी नहीं सो सकते, उसकी वजह से भी आपको नींद नहीं आती, या आप बहुत ज़्यादा सर्दी में या बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आप नहीं सो सकते, और ये आपकी, या आपकी रूटीन, आपकी एक रूटीन है ऐसी कि आप टाइम पे नहीं सोते, तो जो आपकी बैक स्लीपिंग हैबिट्स है ना, उसकी वजह से आप इंसोमिया में जो है ना चले जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि इंसोमिया क्यों होता है। उसके बाद हम इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। अब इंसोमिया हमें हो तो गया है, उसकी जो भी वजूहत थी, डिप्रेशन या एंजाइटी, अब इंसोमिया की वजह से हमें क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा है उसको हम देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हमारी स्लीप है, जैसे डाइट, एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी तरह स्लीप एक मेजर फैक्टर है। अगर आप सोएंगे नहीं तो अच्छे से काम नहीं करेंगे, आप अपनी जॉब पर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, इवन यू कांट कुक द फूड एंड यू कांट ड्राइव द कार्स। इसके अलावा आपका जो बिहेवियर होगा वो दूसरों के साथ इरिटेटिव होगा। नेक्स्ट, आप ओवरवेट हो जाएंगे। इसकी ज़्यादातर कंडीशन बहुत फेयर होती हैं। इसके अलावा इसकी जो वर्स्ट कंडीशंस होती हैं वो बीपी हाई होता है। जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो आपका बीपी हाई हो जाता है, जब आपका बीपी हाई होता है तो आपको हार्ट डिजीज़ हो जाती है ऑब्वियसली, और जब आपको हार्ट डिजीज़ होते हैं तो आपके जो अदर ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करते। नेक्स्ट हम लोग ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, बस आप अपनी स्लीप टाइमिंग बेहतर कर लें, अपने आप को डिप्रेशन से, एंजाइटी से बाहर निकालें, और अपने आप को रिलैक्स करें, योगा वगैरह या कोई भी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करके माइंड को रिलैक्स करें, मेंटल हेल्थ जो अपनी वो बेहतर करें, अपनी सोने की रूटीन को बेहतर करें। इसके लिए मेडिकेशन एज सच नहीं है, लेकिन आप अपनी हैबिट्स को चेंज करके इंसोमिया से रिलीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप स्लीपिंग पिल्स जो है ना वो ले सकते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स आपको एक टाइम तक सोने में हेल्प कर सकते हैं, आफ्टर टाइम उसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात है तो इसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, आप अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डेट्स इट। थैंक यू सो मच।